सावन के पवित्र महीने में जरूर कर लेना ये पांच काम। महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन भर खुशियों से भरा रहेगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सावन के महीने में क्या करें क्या ना करें, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, सावन का महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, मनुष्यों के पास सबसे अच्छा मौका होता है सावन के महीने का, जब वो साक्षात महादेव जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। माना जाता है कि अगर आप अपने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को पुकारते हैं तो वो आपकी जरूर सुनते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान शिव के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं के मुकाबले बहुत ही अधिक है। वही सावन के महीने में यदि भगवान शिव की साधना की जाए तो इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सांसारिक और आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई हैं जो सावन के महीने में अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान शिव का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद ना केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस बार सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होगा, इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा, यानी कि इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने तक चलेगा जिसमें 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि इस सावन के महीने में आपको शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवश्य ही कर लेनी चाहिए जिससे आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा और वरदान मिले, और फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस सावन महीने में वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए वरना आपसे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के बारे में एक बात जान लीजिए, भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल ही अर्पित कर देंगे तो इससे भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा आप पर बरसाने लगेंगे। लेकिन अगर आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां सावन के महीने में करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए शिव पुराण के अनुसार, और भगवान भोलेनाथ अगर आपसे क्रोधित हो गए तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद आपके जीवन में गरीबी, परेशानी, कठिनाइयां ये सब आ जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, मनुष्यों के पास सबसे अच्छा मौका होता है सावन के महीने का, जब वो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बस सावन के महीने में आपको शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें जरूर कर लेनी चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें करने से बचना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित ना हो। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और बहुत ही सफल हों, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, और एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार सावन के महीने में कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं वो आके हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले तो वीडियो लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी होगी। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि सावन के पवित्र महीने में आपको क्या क्या चीज़ें भूल कर भी नहीं करनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सावन के इस पवित्र महीने में अपने शरीर में भूल कर भी तेल मत लगाइएगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। दूसरा, कांसे के बर्तन में ना तो आपको खाना खाना चाहिए ना तो खाना बनाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप सावन के पवित्र महीने में कांसे के बर्तन में खाना खाते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा अन्न की कमी बनी रहती है। तीसरा, सावन के पवित्र महीने में आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करने आ रहे हैं या कुछ भी चढ़ाने आ रहे हो उसमें आप हल्दी का प्रयोग भूल कर भी ना करें, और सावन के पवित्र महीने में दूध का सेवन करना अच्छा नहीं माना गया है। इसी तरीके से सावन के पवित्र महीने में दिन में भूल कर भी मत सोइएगा, इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं, और सावन के पवित्र महीने में आपको भूल कर भी बैंगन और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी तक हमने वो चीज़ आपको बताई जो सावन के इस पवित्र महीने में आपको नहीं करनी चाहिए, अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के महीने में वो कौन से ऐसे पाँच काम आप कर सकते हैं जिन कामों को करने के बाद आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिसके बाद जीवन में आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। सबसे पहले आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को अगर आप लोग व्रत रखना चालू कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभावों से आप बचे रहेंगे, आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। कहा जाता है कि सावन महीने के अगर कोई भी प्रत्येक सोमवार को कोई भी व्यक्ति व्रत रखता है तो इससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है, जिसके बाद उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है।
दूसरा, अगर आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं तो दोस्तों सावन महीने के प्रत्येक दिन आपको महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सावन महीने के प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करता है, उस व्यक्ति को इससे आरोग्य की प्राप्ति के साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। इसी तरीके से अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, सावन महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान अगर सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को आप लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर एक लोटा दूध चढ़ाना शुरू कर दें तो इससे आपकी मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है उस व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी प्रकार से लंबे समय से अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे। आपको सावन महीने के प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा, एक लोटा जल अर्पित करने के बाद एक बेलपत्र वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना होगा। अगर यह उपाय आपने प्रत्येक सावन के दिन पर कर लिया, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, कितनी ही बड़ी आपकी कोई भी इच्छा होगी, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इसी तरीके से दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, इस सावन के पवित्र महीने पर अगर आपके घर पर कोई भिक्षुक आता है, कोई भी जानवर आता है, उसको खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। कहा गया है शिव पुराण में कि सावन के पवित्र महीने में अगर भगवान भोलेनाथ को आप सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान भोलेनाथ किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकते हैं। हो सकता है वो भिक्षुक के रूप में ही आपके घर पर चले आएँ, हो सकता है कि किसी जानवर के रूप में आपके घर पर चले आएँ। ऐसे में अगर आप किसी भिक्षुक को दान करते हैं, किसी जानवर को रोटी ब्रेड खिलाते हैं, इससे आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। कहा गया है इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, इससे आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को आप लोगों को शिवालय जाना है और शिवलिंग पर एक एक धतूरा चढ़ाना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप लोग ने सावन के इस पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को एक एक धतूरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया, दोस्तों यकीन मानिए आपका भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति हो, कभी भी आपके जीवन में आपको धन की कमी ना हो, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे। आप लोगों को बस यही करना होगा दोस्तों कि आप लोगों को सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को भस्म लगानी होगी। भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को भस्म लगाता है, माना गया है कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति के जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और उसकी कैसी भी मनोकामना हो वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक पीतल का त्रिशूल खरीद लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए, इस त्रिशूल को शिवलिंग से छुआइए और इसको अपने घर पर लाकर के पूजा घर में स्थापित कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और मान के चलिए आपके जो भी शत्रु होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो आपका एक बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी को भी आशीर्वाद दे दें मान के चलिए उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों ये वो उपाय थे जो आपको कर लेना चाहिए, इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें।